Hello everyone, I am Professor N.P. Sarte, welcomes you all in the 2020th lecture of Industrial AC Machine subject. So my dear students, we have discussed the shaded pole induction motor and repulsion type of motor in the last lecture, right? So in last lecture mein shaded pole induction motor or रिपल्सन टाइप की मोटर देखे थे, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल देखा है, ठीक है। नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में शेडेड पोल मोटर देखी थी, ऐसी इसका कंस्ट्रक्शन देखा है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा है, ठीक है। ये शेडेड पोल मोटर है, इसका कंस्ट्रक्शन है, ये तीन इंस्टेंट्स पे हमने उसका ऑपरेशन एक्सप्लेन किया था, उसके एप्लीकेशन देखे हैं, बाद में कुछ ये एप्लीकेशन सारे मोटर के यहाँ पे मैंने आपको दिखाए थे एक ही टेबल में। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिपल्सन टाइप ऑफ मोटर्स, दैट देयर आर फोर टाइप्स ऑफ रिपल्सन टाइप ऑफ मोटर्स। फर्स्ट वन इज द रिपल्सन मोटर, सेकंड वन इज द compensated repulsion motor, third one is the repulsion start induction motor, fourth one is the repulsion induction motor। तो ये इसका construction और इसका working principle, ये दो diagram से हमने working principle को देखा है, ठीक है। तो इतना syllabus हमने last lecture में देखा। So in today's lecture we are going to discuss about the universal motor। So here the motor which operates on both AC and DC supply is called as universal motor। जो motor आपकी AC और DC supply के ऊपर operate होती है उस motor को बोलते हैं universal motor, ठीक। ये motor AC and DC अच्छा दोनों supply वरती operate होते हैं, या motor ले नाव दिला universal motor। universal के समान नाव दिला कारण की दोनों supply वरती operate होते हैं, AC यानी DC supply वरती। इथे जे डायग्राम दिसते तुम्हाला, हियर आर दी टू परमानेंट मॅग्नेट्स सी एंड एस, इथवरती आपण वाइंडिंग वाउंड केलेली या पोल वरती, आणि त्याला आपण एसी किंवा डीसी सप्लाय देणार आहे, ठीक आहे। हे आहे आपलं इकडं रोटर, क्लियर। सो दिस इज द सिंपल डायग्राम ऑफ द युनिव्हर्सल मोटर। नाउ कंस्ट्रक्शन काय आहे, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या पॉइंट आहे देखो। सो इन दिस मोटर द एंटायर मॅग्नेटिक सर्किट that is stator and rotor is made up of laminated silicon steel stamp। ये टाइप ये जो मोटर है इसमें पूरा जो मैग्नेटिक सर्किट है अपना, दैट इज स्टेटर एंड रोटर, ये मैग्नेटिक सर्किट यानी आपके स्टेटर एंड रोटर हम लैमिनेटेड बनाते हैं उसको, और वो लैमिनेशन हमें यूज करने हैं सिलिकॉन स्टील मटेरियल के, ठीक है। सो स्टेटर एंड रोटर इज मेड अप ऑफ लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील स्टैम्पिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, द सीरीज फील्ड वाइंडिंग व्हिच इज हाउस्ड इन द रोटर स्लॉट आर ऑफ थिक एंड ट्यूब टर्न्स। जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो आपकी हाउस की होती है रोटर स्लॉट्स में, और वो थिक होनी चाहिए आपकी, और उसके फ्यू नंबर ऑफ टर्न्स होनी चाहिए, ठीक है। ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग असते की हाउस्ड केलेले असते अपन रोटर स्लॉट्स मध्ये, आणि ती थिक असायला पाहिजे, जाडी त्याची जास्त असायला पाहिजे, आणि फ्यू टर्न्स असायला पाहिजे, ठीक आहे। देन थर्ड पॉइंट दिलाय, द स्टेटर फील्ड वाइंडिंग अँड रोटर वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन सिरीज विथ इच अदर। स्टेटर फील्ड वाइंडिंग आणि रोटर फील्ड वाइंडिंग आपल्याला सिरीज मध्ये कनेक्ट करायचे, ठीक। देन नेक्स्ट पॉइंट दिया आहे, देर इज अ कम्युटेटर विथ सेट्स ऑफ ब्रशेस आर अवेलेबल फॉर प्रोवाइडिंग पाथ टू फ्लो ऑफ करंट इन द रोटर कंडक्टर्स। देर इज कम्यूटेटर विथ सेट्स ऑफ ब्रशेस, वहां पे कम्यूटेटर भी होता है जिसपे सेट्स ऑफ ब्रशेस दिए होते हैं, एंड विच आर अवेलेबल फॉर प्रोवाइडिंग पाथ टू द फ्लो ऑफ करंट। वो ब्रशेस क्यों प्रोवाइड किए होते हैं वहां पे, क्योंकि वहां के करंट को फ्लो होने के लिए पाथ प्रोवाइड करने का काम वो ब्रशेस करते हैं रोटर कंडक्टर्स, ठीक आहे। इथं कम्युटेटर दिलेला आहे, देर इज अ कम्युटेटर विथ सेट्स ऑफ ब्रशेस, इथं ब्रशेस असतात कम्युटेटर वरती माहिती आहे आपल्याला,
आणि ते ब्रशेस अवेलेबल असतात कशासाठी, फ्लो ऑफ करंट जो आहे रोटर कंडक्टर्स मधला त्याला पाथ प्रोव्हाइड करण्यासाठी ब्रशेस दिलेले असतात. ठीक आहे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द कन्स्ट्रक्शन ऑफ युनिव्हर्सल मोटर इज जस्ट सिमिलर टू द डीसी मोटर. हे युनिव्हर्सल मोटरचे जे कन्स्ट्रक्शन आहे ते सिमिलर आपल्या डीसी मोटर सारखंच असतं. इट कन्सिस्ट ऑफ स्टेटर ऑन विच फील्ड पोल्स आर माउंटेड. याच्यामध्ये एक स्टेटर असतं ज्याच्यावरती फील्ड पोल्स आपण माउंट केलेले असतात. ठीक आहे. जो कन्स्ट्रक्शन होता है युनिव्हर्सल मोटर का वो सेम डीसी मोटर जैसा ही होता है. और इट कंसिस्ट ऑफ स्टेटर, इसमें एक स्टेटर होता है ठीक है जिसपे पोल्स माउंट किए होते हैं. ठीक है, जिसपे पोल माउंट किए होते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट दिया है, द फील्ड कॉइल्स आर वाउंड ऑन द फील्ड पोल्स. फील्ड कॉइल्स कहाँ पे वाउंड करते हैं अपन, जैसे हमने डीसी मोटर में भी देखा है. ठीक है, फील्ड कॉइल्स आर वाउंड ऑन द फील्ड पोल्स राइट. एंड हाउ एवर द पोल मैग्नेटिक पाथ कंप्राइजिंग स्टेटर फील्ड सर्किट एंड ऑल्सो रोटर और आर्मेचर इज लैमिनेटेड. जो टोटल मैग्नेटिक पाथ है जिसमें आपका स्टेटर फील्ड सर्किट आता है और ऑल्सो उसमें रोटर और आर्मेचर भी आता है, उसको लैमिनेटेड बनाना है. ठीक है, तो लैमिनेशन इज नेसेसरी टू मिनिमाइज द ईडी करंट. लैमिनेशन कशासाठी गरजेचे असतात, कारण तिथे ईडी करंट आपल्याला मिनिमाइज करायचे असतात, विच इंड्यूस व्हाईल ऑपरेटिंग ऑन एसी. हे ईडी करंट कधी इंड्यूस होतात, जेव्हा आपण त्या मोटरला एसी वरती ऑपरेट करत असतो, एसी सप्लाय वरती ऑपरेट करत असतो, तेव्हा तिथे ईडी करंट इंड्यूस होत असतात आणि त्याला मिनिमाइज करण्यासाठी आपण तिथे लॅमिनेशन यूज केलेले असतात. नेक्स्ट पॉइंट जे आहे, रोटर आर्मेचर इज ऑफ वाउंड टाइप. जो रोटर आर्मेचर है वो वाउंड टाइप का है, हैविंग स्ट्रेट और स्क्यूड स्लॉट्स, जिसमें स्ट्रेट या फिर आपके स्क्यूड स्लॉट्स होते हैं. ठीक है, एंड कम्यूटेटर विद ब्रशेस रेस्टिंग ऑन इट. और कम्यूटेटर होते हैं जिसपे ब्रशेस रेस्ट किए होते हैं. ठीक है, स्क्यूड यानी मालूम है आपको, थोड़े से आपको एकदम स्ट्रेट के बजाय वहां पे स्लॉट्स आपके थोड़े से तिरछे होते हैं, उसको बोलते हैं स्क्यूड. ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट यह है, द कम्यूटेशन ऑन एसी इज पुअरर. जो कम्यूटेशन एसी सप्लाई के ऊपर होता है, जो कम्यूटेशन ऑन एसी इज पुअरर, वो पुअरर होता है एसी मोटर से, बिकॉज ऑफ द करंट इंड्यूस इन द आर्मेचर कॉइल्स. क्योंकि आर्मेचर कॉइल्स में यहाँ पे करंट इंड्यूस होता है, एंड फॉर दैट रीजन ब्रशेस यूज आर हैविंग हाई रेजिस्टेंस. उसकी वजह से आपको जो ब्रशेस यूज करने हैं उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए. ठीक है, इथं जे कम्युटेशन होतं ए सी वरती ते पुअरर असणार आहे डीसी पेक्षा, आणि त्यामुळं कशामुळं, कारण करंट इंड्यूस होतो तिथं आर्मेचर कॉइल्स मध्ये, आणि त्या रिझनमुळं त्या कारणामुळं जे ब्रशेस ते यूज करायचे असायला त्याचा रेजिस्टन्स आपला हाय असायला. क्लिअर आहे. हे कन्स्ट्रक्शन ऑफ युनिव्हर्सल मोटर. अभी इसका वर्किंग प्रिन्सिपल क्या आहे देखील. सो युनिव्हर्सल मोटर वर्क्स ऑन आयदर डीसी और सिंगल फेज एसी. हमने ऑलरेडी बोला है कि जो मोटर डीसी एंड एसी सप्लाई के ऊपर ऑपरेट होती है उसको यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं. तो ये दोनों सप्लाई के ऊपर वर्क करेगी. ठीक है, सो व्हेन द यूनिवर्सल मोटर इज फेड विद डीसी सप्लाई, जब यूनिवर्सल मोटर को हम डीसी सप्लाई देंगे, देन अ करंट फ्लोज इन द फील्ड वाइंडिंग. तो आपके फील्ड वाइंडिंग में से करंट फ्लो होगा एंड इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन द एयर. जसं डीसी मोटर सारखंच आहे. ठीक आहे, जसं आपण युनिव्हर्सल मोटरला डीसी सप्लाय देऊ तेव्हा फील्ड वाइंडिंग मधून करंट होईल आपलं, आणि त्यामुळे तर मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होईल एअर गॅपमध्ये. ठीक आहे, द सेम करंट ऑल्सो फ्लोज थ्रू द आर्मेचर कंडक्टर्स, आणि तोच सेम करंट आपल्या आर्मेचर कंडक्टर्स मधून फ्लो होणार आहे. अँड अकॉर्डिंग टू बेसिक मोटर प्रिन्सिपल, वेन अ करंट कॅरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मॅग्नेटिक फील्ड, देन इट एक्सपीरियन्सेस अ मेकॅनिकल फोर्स. ये अपना फैराडे लॉ है. ठीक है, कि जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर एक मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस होता है. दस मैकेनिकल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग आर्मेचर कंडक्टर्स. तो उसकी वजह से यहाँ पे भी मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट होता है आपकी करंट कैरिंग आर्मेचर कंडक्टर्स के ऊपर, एंड टॉर्क इज प्रोड्यूस ऑन दी रोटर. आपके रोटर के ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस होता है, देयरफॉर रोटर स्टार्ट्स टू रोटेट. तब आपका रोटर क्या होता है, रोटेट होता है. ठीक है, तो ये डीसी मोटर जैसा ही वर्किंग है जब हम यूनिवर्सल डीसी मोटर को डीसी सप्लाई देते.
ठीक है। अब जब हम यूनिवर्सल मोटर को एसी सप्लाई देते हैं तब क्या होता है, देखो व्हेन फेड विद एसी सप्लाई देन इट स्टिल प्रोड्यूसेस यूनिडायरेक्शनल टॉर्क। तो मोटर क्या करेगी, एक यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस करेगी वहां पे, ठीक है। जब वहां अपन एसी सप्लाई दो तो वहां से एक यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो बिकॉज आर्मेचर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज, इफ आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग अपन सीरीज मध्ये कनेक्ट करतो सो दे कॅरी सेम करंट, त्यामुळे त्यामधून सेम करंट फ्लो होईल, ठीक आहे। अँड हेन्स पोलॅरिटी ऑफ एसी व्होल्टेज चेंजेस, त्यामुळे तिथली जी पोलॅरिटी आहे एसी व्होल्टेजची ती चेंज होणार आहे। अँड करंट रिव्हर्सेस इज डायरेक्शन, और वहां पे करंट की डायरेक्शन रिव्हर्स हो जाएगी। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द आर्मेचर कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द एयर गैप रिवर्सेस एट द सेम टाइम। तो उसकी वजह से करंट की डायरेक्शन रिवर्स होने की वजह से जो डायरेक्शन है करंट की आर्मेचर कंडक्टर्स में है की एंड मैग्नेटिक फील्ड की एयर गैप में की, वो भी रिवर्स हो जाएगी एट द सेम टाइम। जो डायरेक्शन है करंट आर्मेचर कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी एंड मैग्नेटिक फील्ड की जो एयर गैप में प्रोड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर रिवर्स हो गई इन द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट रिवर्सेस इन सच अ वे दैट आर्मेचर करंट की भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ऐसी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी इन सच अ वे दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द आर्मेचर कंडक्टर में जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है आर्मेचर कंडक्टर्स के ऊपर वो सेम रहेगा, ठीक है। सो दस यूनिडायरेक्शनल टॉर्क इज प्रोड्यूस, और उसकी वजह से वहाँ पे यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस होता है एंड मोटर कंटिन्यूज टू रन इन द सेम डायरेक्शन, और आपकी मोटर कंटिन्यू सेम डायरेक्शन में रन होती है। सो एज मोटर वर्क ऑन ए सी और पी सी सप्लाई इट इज रेफर्ड एज यूनिवर्सल मोटर, समझ में आया। ये दोन्ही ए सी आणि डी सी सप्लाय वरती वर्क होते म्हणून त्याला रेफर केलेलं आहे युनिव्हर्सल मोटर, ठीक आहे, क्लिअर आहे। तर हे आहे वर्किंग प्रिन्सिपल युनिव्हर्सल मोटर, ठीक आहे, काही डाऊट याच्यामध्ये? ओके, आता युनिव्हर्सल टाईप मोटरचे दोन टाईप्स आहेत, परत कॉन्सन्ट्रेटेड फोर्स ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन कम्पेन्सेटेड टाईप मोटर, हे लो पॉवर रेटिंगसाठी यूज होते, आणि डिस्ट्रीब्युटेड पोल टाईप किंवा फील्ड कंपेन्सेटेड टाइप मोटर ही हाय पॉवर रेटिंग साठी यूज होते। हे युनिव्हर्सल ऍक्च्युअल युनिव्हर्सल मोटरचा फोटोग्राफ आहे, त्याचं कन्स्ट्रक्शन डायग्राम मध्ये दाखवलेलं, ठीक आहे। इथं स्टेटर आणि हे त्याच्यावरचे पोल्स दाखवलेले पोल्स, ठीक आहे। आता बघा नॉन कंपेन्सेटेड टाईपची मोटर म्हणजे काय, इन नॉन कंपेन्सेटेड मोटर हॅज टू सेलियंट पोल्स, याच्यामध्ये दोन सेलियंट पोल्स असतात, इट जस्ट लाईक अ टू पोल्स डी सी सिरीज डी सी मोटर, जशी आपली टू पोल सिरीज डी सी मोटर असते तशाच टाईपचे इथं सुद्धा दोन सेलियंट पोल्स असतात, ठीक आहे। एक्सेप्ट दॅट होल ऑफ इट्स मॅग्नेटिक पाथ इज लॅमिनेटेड, पूर्ण जो मॅग्नेटिक पाथ आहे तो लॅमिनेटेड करण्याच्याऐवजी इथं जे दोन पोल्स आहेत, ठीक आहे, ते दोन पोल्स जसे आपले टू पोल सिरीज डी सी मोटर असते तसंच याच्यावरती दोन सेलियंट पोल्स असतात आणि ते आपण लॅमिनेटेड केलेले असतात, ठीक आहे, समज मी। नॉन कंपेन्सेटेड मोटर में दोन सेलियंट पोल्स होते हैं जैसे हमारे टू पोल डी सी सीरीज में होते हैं, एंड एक्सेप्ट दैट होल ऑफ इट्स मैग्नेटिक पाथ इज लैमिनेटेड, उसका पूरा मैग्नेटिक पाथ लैमिनेटेड करने की जरूरत नहीं है, जो दो पोल्स है उसको ही लैमिनेटेड करना, ठीक है। द लैमिनेटेड स्टेटर, यानी स्टेटर आपका लैमिनेटेड है यहाँ पे, इज नेसेसरी बिकॉज द फ्लक्स इज अल्टरनेटिंग। लैमिनेटेड स्टेटर की क्यों जरूरत है, क्योंकि फ्लक्स अपना अल्टरनेटिंग है, देन द मोटर इज ऑपरेटेड फ्रॉम एसी सप्लाई, जब मोटर को हम एसी सप्लाई पे ऑपरेट करते हैं तब अपना स्टेटर लैमिनेटेड होना जरूरी है क्योंकि आपका फ्लक्स वहां पे अल्टरनेटिंग होता है। सो द आर्मेचर इज वाउंड इज ऑफ वाउंड टाइप एंड सिमिलर दैट ऑफ अ स्मॉल डीसी मोटर, जो आर्मेचर होता है वो वाउंड टाइप का होता है और वो सिमिलर आपके स्मॉल डीसी मोटर जैसा होता है। तो ये है आपकी नॉन कंपेंसेटेड टाइप ऑफ मोटर, नॉन कंपेंसेटेड टाइप ऑफ मोटर, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ इसेंशियली, इट कंसिस्ट इसेंशियली ऑफ अ लैमिनेटेड कोर, इसमें एक लैमिनेटेड कोर होता हैविंग आइदर स्ट्रेट और स्क्यूड स्लॉट, इसमें आइदर स्क्यूड या फिर स्ट्रेट स्लॉट होते हैं, एंड कम्यूटेटर टू विच
लीड्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग था कनेक्टेड, और कम्यूटेटर होता है इसमें जिसको आर्मेचर वाइंडिंग के लीड्स वहां पे कनेक्ट किए होते हैं। ठीक है, याच्यामध्ये इसेन्शियली एक लॅमिनेटेड कोअर असते ज्याच्यावरचे जे स्लॉट्स आहेत ते एकतर स्ट्रेट असतात किंवा स्क्यूड असतात, आणि एक कम्युटेटर असतं ज्याला आपण आर्मेचर वाइंडिंगचे लीड्स किंवा टर्मिनल तिथं कनेक्ट केलेले असतात। सो दिस इज कॉल्ड ॲज नॉन कंपेन्सेटेड टाईप युनिव्हर्सल मोटर। आता दुसरा टाईप आहे त्यामधला डिस्ट्रीब्युटेड फील्ड कंपेन्सेटेड टाईप मोटर। डिस्ट्रीब्युटेड फील्ड कंपेन्सेटेड टाईप ऑफ मोटर हॅज अ स्टेटर कोअर सिमिलर टू दॅट ऑफ अ स्प्लिट फेज मोटर। जसं आपलं स्प्लिट फेज मोटरचं स्टेटर होतं तशाच टाईपचं स्टेटर इथं डिस्ट्रीब्युटेड फील्ड टाईप कंपेन्सेटेड टाईपचं मोटरचं आहे। ठीक आहे, अँड अ वाऊंड आर्मेचर सिमिलर टू दॅट ऑफ अ स्मॉल डीसी मोटर। आणि इथं सुद्धा वाऊंड टाईपचंच आर्मेचर आहे जसं आपलं स्मॉल डीसी मोटरमध्ये असतं तसं। ठीक आहे, फक्त इथं एक ॲडिशनल मध्ये तुम्हाला दिसते डायग्राम मध्ये, डायग्राम फॉर कंपेन्सेटेड टाइप ऑफ मोटर, तीच दी डायग्राम फॉर नॉन कंपेन्सेटेड टाइप ऑफ मोटर। ठीक आहे, कंपेन्सेटेड म्हणजे तिथं लक्षात ठेवायचं त्याच्या नावात होते, कंपेन्सेटेड टाइप ऑफ मोटर म्हणजे तिथं एक कंपेन्सेटिंग वाइंडिंग आपण आर्मेचर आणि फील्ड वाइंडिंगच्या मेन फील्ड वाइंडिंगच्या सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेली असते, म्हणून त्याला कंपेन्सेटेड टाइप ऑफ मोटर म्हटलं। सो दी कंपेन्सेटिंग वाइंडिंग इज यूज टू रिड्यूस दी रिएक्टन्स वोल्टेज। यहाँ पे जो कंपेन्सेटिंग वाइंडिंग है वो क्यों यूज कर रही है, क्योंकि वहां का रिएक्टेंस वोल्टेज को हमें रिड्यूस करना है। ठीक है, प्रेजेंट इन द आर्मेचर, वो आर्मेचर में होता है आपका रिएक्टेंस वोल्टेज, उसको रिड्यूस करने के लिए वहां पे कंपेंसेटिंग वाइंडिंग यूज करनी है व्हेन मोटर रन्स ऑन एसी सप्लाई, जब आपकी मोटर एसी सप्लाई के ऊपर रन होती। ठीक है, सो दिस वोल्टेज इज कॉज्ड बाय द अल्टरनेटिंग फ्लक्स बाय द ट्रांसफॉर्मर एक्शन। ये जो वोल्टेज है वो इसके वजह से होता है अल्टरनेटिंग फ्लक्स की वजह से। ठीक है, क्योंकि वहां पे ट्रांसफार्मर का एक्शन होता है। समझ में आया, तो ये है आपकी कंपेन्सेटेड टाइप ऑफ मोटर की डायग्राम। क्लियर है, यहाँ पे एसी और डीसी सप्लाई देना है, ये मेन फील्ड वाइंडिंग है, ये कंपेन्सेटिंग वाइंडिंग है, और ये आपका आर्मेचर है। ठीक है, समझ में आया, ये कंपेन्सेटेड टाइप की मोटर है, ये नॉन कंपेन्सेटेड टाइप की मोटर। नाउ इसकी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, तो रिगार्डलेस ऑफ एसी और डीसी सप्लाई यूनिवर्सल मोटर वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज दैट ऑफ द डीसी सीरीज मोटर। आप सप्लाई कौन सा भी दे दो यूनिवर्सल मोटर को, एसी दे दो या फिर डीसी दे दो, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है मोटर को। यहाँ पे क्या होता है कि यूनिवर्सल मोटर का जो प्रिंसिपल है वो सेम आपके डीसी सीरीज मोटर जैसा ही है। तो इट एग्जिबिट्स इनवर्स टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक विद हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो उसमें इनवर्स टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया है। ठीक है, ये फुल लोड स्पीड है आपकी, ये फुल लोड टॉर्क है। ठीक है, ये अल्टरनेटिंग करंट देने के बाद ऐसा कर्व मिलता है आपको यूनिवर्सल मोटर का, और डीसी का करंट देने के बाद ऐसा मिलता है। ठीक है, तो ये है आपकी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। इसके एप्लीकेशन क्या क्या है यूनिवर्सल मोटर के, तो ये मिक्सर्स एंड फूड प्रोसेसर्स में यूज होती है। देन ये मोटर आपकी हेवी ड्यूटी मशीन टूल्स के लिए यूज होती है, ग्राइंडर्स के लिए यूज होती है, वैक्यूम क्लीनर्स, ड्रिल्स, ड्रिल मशीन, सीविंग मशीन, इलेक्ट्रिक शेवर्स, एयर ड्रायर्स एंड क्लॉथ वॉशिंग मशीन्स, ये सारे आपके एप्लीकेशन है यूनिवर्सल मोटर के। क्लियर है, समझ में आया, कुछ डाउट इसमें? नाउ नेक्स्ट मोटर है अपनी एसी सीरीज मोटर। यहाँ पे आपकी यूनिवर्सल मोटर, अभी देखना है एसी सीरीज मोटर। तो एसी सीरीज मोटर देखने से पहले हम एसी सीरीज मोटर में कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं। ठीक है, वो मॉडिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर में ही हम मॉडिफिकेशंस करते हैं ताकि वो आपकी एसी मोटर, एसी सीरीज मोटर बोल के वहां पे यूज होती है। तो डीसी सीरीज मोटर कैन बी रन ऑन एसी सप्लाई ऑल्सो। आपकी डीसी सीरीज मोटर जो है वो आपकी एसी सप्लाई पे भी रन हो सकती है, बट द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन विल बी डन व्हेन द डीसी सीरीज मोटर वर्क्स ऑन एसी सप्लाई। लेकिन वहां पे आपको क्या करना होंगे, डीसी सीरीज मोटर में कुछ मॉडिफिकेशन करने होंगे जब आपको एसी सप्लाई के ऊपर उसको ऑपरेट करना है तब। ठीक है, तो इसका मॉडिफिकेशन क्या क्या है, पहला है फील्ड कोर हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ अ मटेरियल हैविंग लो हिस्टेरेसिस लॉस। तो फील्ड कोर है आपकी, वो कंस्ट्रक्ट करनी है आपको
मटेरियल से, ऐसे मटेरियल से जिसका लो हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है। डीसी सीरीज मोटरला मी पहिला पॉइंट काय सांगितला होता की डीसी सीरीज मोटरला आपण एसी सप्लायच्या वरती सुद्धा रन करू शकतो, पण त्यावेळेस डीसी सीरीज मोटरला जर एसी सप्लाय वरती रन करायचं असेल आपल्याला तर काही मॉडिफिकेशन करायला लागतात डीसी सीरीज मोटरमध्ये। त्यामध्ये पहिलं मॉडिफिकेशन सांगितलं आपण की जी फील्ड कोर आहे ती अशा प्रकारे कन्स्ट्रक्ट करायची, आपल्याला अशा प्रकारच्या मटेरियलने कन्स्ट्रक्ट करायची आहे की त्याचा हिस्टेरेसिस लॉस कसा असायला पाहिजे, लो असायला पाहिजे, हे पहिलं मॉडिफिकेशन। दुसरं आहे द रोटर अँड द स्टेटर हॅव टू बी लॅमिनेटेड टू रिड्यूस ईडी करंट लॉसेस। जो रोटर एंड स्टेटर है आपके वो लैमिनेटेड बनाने होंगे आपको ताकि वहां के एडी करंट लॉसेस आपकी रिड्यूस हो जाए, ठीक है। ये रोटर एंड स्टेटर आए थे लैमिनेटेड बनवाने से जेनेकर आपके एडी करंट लॉसेस ये रिड्यूस होते हैं, ठीक है। ऑल्सो द पल्सेटिंग नेचर ऑफ ए सी मे कॉज द कम्युटेटर सेगमेंट्स एंड ब्रशेस टू वियर आउट एंड प्रोड्यूस स्पार्किंग। आता इथल्या पल्सेटिंग नेचर जे आहे ए सीचा त्यामुळं कम्युटेटर सेगमेंट्स आणि ब्रशेस हे वियर आउट होतात म्हणजे घर्षण होतं त्यामध्ये आणि त्यामुळे तिथं स्पार्किंग प्रोड्यूस होते, ठीक आहे। तो पल्सेटिंग नेचर है एसी का, उसकी वजह से वहाँ पे कम्युटेटर सेगमेंट एंड ब्रशेस आपके वियर आउट होते हैं और वहाँ पे स्पार्किंग होने से स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है। तो दिस कैन बी एलिमिनेटेड बाय यूजिंग हाई रेजिस्टेंस लीड्स। ये आपको एलिमिनेट करने के लिए वहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लीड्स यूज करने होंगे टू कनेक्ट दी कॉइल्स टू दी कम्युटेटर सेगमेंट। कॉइल्स को कम्युटेटर सेगमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए आपको हाई रेजिस्टेंस लीड्स वहाँ पे यूज करने हैं, ठीक है। यह है आपका तीसरा मॉडिफिकेशन। फोर्थ मॉडिफिकेशन है द फील्ड वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड विद स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स। फील्ड वाइंडिंग को आपको स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स से प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग से आपल्याला स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइड करायला लागतील एंड द फील्ड पोल एरिया इज इनक्रीज। फील्ड पोल का एरिया आपल्याला वाढवावा लागेल सो दॅट फ्लक्स डेन्सिटी इज रिड्यूस। उसकी वजह से आपका फ्लक्स डेंसिटी है वहां की रिड्यूस हो जाएगी। फील्ड पोल एरिया आपका बढ़ गया, फ्लक्स डेंसिटी आपकी क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो दिस रिड्यूसेस द आयरन लॉस एंड द रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप। तो उसकी वजह से आपके आयरन लॉस वहां पे रिड्यूस होंगे एंड रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप भी आपका रिड्यूस होगा, क्लियर है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स हैज टू बी इंक्रीज्ड इन ऑर्डर टू गेट द रिक्वायर्ड टॉर्क विद अ लो फ्लक्स। तो नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स है वो भी आपको इंक्रीज करने होंगे ताकि आपका जो रिक्वायर्ड टॉर्क है विद लो फ्लक्स है वो आपको वहाँ पे मिल सके, इसलिए आपको आर्मेचर कंडक्टर्स को भी वहाँ पे नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स को भी वहाँ पे इंक्रीज करना होगा, ठीक है। नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स ला सुद्धा आपल्याला इंक्रीज करायचे जेणेकरून आपल्याला तिथं रिक्वायर्ड टॉर्क विथ लो फ्लक्स मिळाला पाहिजे, ठीक है। रिक्वायर्ड टॉर्क विथ लो फ्लक्स। देन नेक्स्ट पॉइंट है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर कंपेंसेशन वाइंडिंग इज यूज रिएक्शन, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर कंपेंसेशन वाइंडिंग इज यूज, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट है तो रिड्यूस करण्यासाठी तिथे आपल्याला काय करायची, कंपेन्सेटिंग वाइंडिंग यूज करायची, ठीक आहे। देअर बाय इम्प्रूव्हिंग कम्युटेशन अँड रिड्यूसिंग दी आर्मेचर रिएक्टन्स। त्यामध्ये इथलं कम्युटेशन इम्प्रूव्ह होणार आहे आपलं आणि आर्मेचर रिएक्टन्स रिड्यूस होणार। आर्मेचर रिएक्शनचा इफेक्ट रिड्यूस करण्यासाठी कम्पेन्सेटिंग वाइंडिंग यूज करायची, त्यामुळे तिथलं आपलं कम्युटेशन इम्प्रूव्ह होईल आणि आपले आर्मेचर रिएक्टन्स इथलं रिड्यूस होईल, क्लिअर आहे। आर्मेचर रिएक्शन को आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट आपको रिड्यूस करने के लिए वहां पे कंपेंसेटिंग वाइंडिंग यूज करनी है ताकि आपका वहां आपका कम्यूटेशन इंप्रूव हो जाए और आपका आर्मेचर रिएक्शन रिड्यूस हो जाए, ठीक। तो ये सारे मॉडिफिकेशन आपको डीसी मोटर में करने होंगे, ठीक है। और अगर ये मॉडिफिकेशन आप डीसी मोटर में करोगे तो वो मोटर डीसी सीरीज मोटर आप वहां पे एसी सीरीज मोटर बोल के वहां उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एसी सीरीज मोटर है, इसका कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन, ठीक है। देन इसकी स्पीड कंट्रोल, डायरेक्शन ऑफ रिवर्सल, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक एप्लीकेशंस, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये एसी सीरीज मोटर के दो डायग्राम दिखाएंगे, ठीक है।
ये इसका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अभी जो अपना टाइम है उसमें नहीं कवर हो पाएगा ये पॉइंट, तो इसकी वजह से हम ये पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, ठीक है, तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को, इलेक्ट्रिफाई एकेडमी को, और प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।